हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मसाला। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्या को वर्गमूल में बदलना, यानी कि चेंज डेसिमल इनटू स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है या आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, ताकि जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को समझ सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल में यदि बदलते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका जोड़ा बनाते हैं। दो दो अंकों का हम लोग यहाँ पे ऐसे जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि या तो 13 आ जाए या 13 के पास हम लोग पहुँच जाए। और दोस्तों, जो भी अंक लेंगे उसको उसी अंक से गुणा करना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 3 को 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 3 यही आपका होता है 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे 3। तो 3 को 3 से गुणा करने पर हमको मिल जाता है यहाँ पे 9। दोस्तों, अंदर में यहाँ पे हम लोग इसको घटाएंगे और यहाँ पे बाहर में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किससे, क्योंकि 3 को 3 से गुणा किए थे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे। तो 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 6, और 13 में से 9 घटाने पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। अब दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है, इसको यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और इसके बाद ये जो जोड़ा हमने बनाया था 61, इसको एक साथ यहाँ पूरा का पूरा लिख देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे 6 है हमारे पास, 6 के बाद भी हम कोई संख्या लिखेंगे कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 461 या तो आ जाए या इसके पास हम लोग पहुंच जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 से ले लेंगे। जब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 36, यहाँ पे 6 हो जाएगा और फिर हमारे पास 3 यहाँ पे कैरी आ गया। 6 को 6 से गुणा करने पे 36 और 3 39 हो जाएगा। तो 396 यहाँ पे आपका आ गया। दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ भी हम लोग 6 लिख देंगे और गुणा करने पर आया था 396। दोस्तों, अंदर में हम लोग यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ बाहर जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, इस 6 को दोबारा यहाँ पे नीचे लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 6 और 6 होता है 12, और एक यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, यानी कि ये आपका हो गया। उसके बाद जब यहाँ घटाएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 6 5 11 5, और यहाँ आपको मिल जाएगा जो है 6, और 3 में से 3 यहाँ पे कट जाएगा, 65 आ गया। अब ये जो 61 लिखा है, आप इसको इसको पूरा पूरा यहाँ पे लिखना होगा। आपने लिख दिया है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 72 लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। दोस्तों, हमने लोग यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 9 को फिर यहाँ पे भी 9 ले लेंगे और इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। 9 को 9 से गुणा करने पर 81, यहाँ पे 8 बचेगा, 9 दुनी 18 और 8 होता है 26, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और उसके बाद 9 7 63 और 2 यानी कि 65 यहाँ पे आपका आ चुका है। दोस्तों, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 9 और यहाँ भी लिख देंगे 9। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा आ चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, केवल यहाँ पे घटाएंगे। घटाने पे यहाँ पे हमको 0 0 मिल जाता है, यानी कि आपका वर्गमूल निकल के आ चुका है, वो आपका हो जाएगा 3.69। दोस्तों, ये आपका हो गया पहला आंसर। तो दोस्तों, यदि आपको दूसरा क्वेश्चन भी सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग कभी भी वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ जोड़ा बनाते हैं, 27 हो गया, 88 हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 10 और लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा दिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जोड़ा बन चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जोड़ा बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 27 है, तो दोस्तों हमको पता है कि 5 से 5 को गुणा करने पर 25 हो जाएगा और यही इसका हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, बाहर हमको जोड़ना है, 5 और 5 यहाँ लिख देंगे, 5 और 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, घटाने पे यहाँ मिलेगा 2, फिर यहाँ पे लिख देंगे 8 और 8, एक जोड़ा लिखेंगे, पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को लिखेंगे ही प्लस यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 होता है और ये आ जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4
दो को जीरो से गुणा करने पे जीरो, दो एकम दो, 204 आ गया। यहाँ दो लिखेंगे और यहाँ भी लिख देंगे दो, ये आपका गुणा करने पर आ जाएगा 204। दोस्तों यहाँ घटाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, दो को दो से गुणा किए थे तो यहीं पर दो लिख देंगे, दो और दो चार हो जाएगा, एक जीरो है यहाँ लिख देंगे, एक है यहाँ लिख देंगे। दोस्तों हमने इसको इधर लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक अंक अभी हमको लिखना पड़ेगा। घटाने पे यहाँ पे आपको चार मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा आठ, और दो में से दो घटाने पे जीरो मिलता है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको 90 लिखना है, उसके बाद 104 यहाँ पे आपका दिया गया है, आपको यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि इतना आ जाए। तो देखिए इसका जो जो हजारवां अंक है वो आठ है और यहाँ पे एक है, तो हम किससे गुणा करें कि आठ आ जाए, तो आठ एकम आठ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 104 तो लिखेंगे ही, इसके बाद यहाँ पे आठ लिखेंगे और नीचे भी यहाँ पे आठ लिख लेंगे, तो आठ को आठ से गुणा करने पे 64 होता है, तो यहाँ लिखेंगे चार, आठ चौक 32 होता है, 32 और छः 38 हो जाएगा, 38 का यहाँ पे लिखेंगे आठ, आठ को जीरो से गुणा करने के जीरो आएगा, जो हासिल था कैरी था 3 उसको लिख लेंगे, फिर आठ एकम आठ। दोस्तों आ चुका है, यहाँ पे आठ लिखेंगे और यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे आठ। अब यहाँ पे आठ तीन आठ चार इसको लिख लेते हैं और इसको फिर यहाँ पे घटा लेंगे। यहाँ दोस्तों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब क्वेश्चन अंत होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो दोस्तों 10 में से 4 घटाने पे हमको मिल जाएगा 6, 8 में से 8 गया तो 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 0। दोस्तों तो ये आपका जो आंसर है वो 5.28 ये आपका आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक हमें और निकालना था तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, आगे आप नहीं निकालेंगे। अगर आपको आगे निकालना है तो आप यहाँ पे दो जीरो और बढ़ा के आगे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।